हाथ इलायची के द्वारा कैसे पूर्ण रूप से आप किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं, तो देखते हैं संपूर्ण जानकारी और इसकी विधि इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको मंत्र, उपाय, टोटके और उनकी विधियों की जानकारी मैं आपको देता रहता हूं, जिनसे आपको शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो उसी लड़ी में आज यह जो सात छोटी इलायची का शक्तिशाली वशीकरण पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने इस विधि के अनुसार सात इलायची को सिद्ध करने के बाद इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग कर लिया, जिसका नाम लेकर आप इन छोटी इलायची को सिद्ध करेंगे, तो वह व्यक्ति पूर्ण रूप से आपके प्यार के बंधन में बंध जाएगा। और बिल्कुल छोटी सी विधि है, बिना किसी भोग प्रसाद के आप इनको सिद्ध कर सकते हैं। केवल आपको सात छोटी इलायची चाहिए, सात छोटी इलायची, और इनको सिद्ध करने के लिए रविवार से लेकर रविवार तक आपको इसका समय लगेगा, रविवार से लेकर रविवार तक। तो 8 दिनों की ये विधि है, 7 दिनों की वैसे विधि है, 8वें दिन तो ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी, ये जो 7 छोटी इलायची है। तो आपने 7 छोटी इलायची लेकर आनी है रविवार वाले दिन, और अपने घर के बने मंदिर में ही आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए आपको कपूर की टिकिया चाहिए, कपूर की एक टिकिया, कपूर की टिकिया, और साथ में सामने अगरबत्ती आप रोशन कर लें खुशबू के लिए, और कोई कुछ भी ज्योत वगैरह लगाने की भी जरूरत नहीं है, इसी से ये सिद्ध हो जाएगी। और जिसको भी आप अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, जिसका भी सुमोहन चाहते हैं, जिसका भी वशीकरण करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति के नाम की आपको जरूरत पड़ेगी, और उसके जो चेहरा है उसको अपने मन में बसाने के बाद, अपने हृदय में बसाने के बाद, और उस व्यक्ति के नाम के अनुसार ही ये वशीकरण होगा। तो 7 इलायची आपने अपने सामने रख लेनी है, बिल्कुल पाक साफ होकर शुद्धता के साथ घर के बने मंदिर में ही बैठकर आपने एक जल का कमंडल साथ में भरकर रख लेना है, और आपने वह जो कपूर की टिकिया है उसको जला लेना है, और उसके बाद इस मंत्र का जाप करना है आपने। और वह जो मंत्र है, सुमोहन की देवी माता श्यामकुर मोहिनी, उसके बाद अमुक नाम, जो उस व्यक्ति का नाम है उसका आपने नाम लेना है। सुमोहन की देवी माता श्यामकुर मोहिनी अमुक नाम मम वशय 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 स्वाहा, ऐसा कहने के बाद एक इलायची कपूर की टिकिया के ऊपर डाल देनी है, उसकी आहुति दे देनी है, उसके बाद फिर दूसरी इलायची उठा लेनी है, उसके बाद फिर से इसी मंत्र का आपने जाप करना है। सुमोहन की देवी माता श्यामकुर मोहिनी अमुक नाम मम वशय वशय स्वाहा, बस इतना सा मंत्र है। इतने से मंत्र का जाप करने के बाद आपने पांच इलायची की आहुति डालनी है आपने, और 2 इलायची जो शेष बची है 2 इलायची को वहां से उठा लें, और जो वह अग्नि चेतन हो रही है जिसमें आपने आहुति डाली है माता श्यामकुर मोहिनी के नाम की, उसके ऊपर से 7 बार क्लॉक वाइज उसको घुमाकर वहीं पर रख देना है। ऐसे ही रेगुलर आपने 7-7 इलायची रखनी है, 5-5 इलायची का हवन करते रहना है माता श्यामकुर मोहिनी का नाम लेकर, और 2-2 इलायची आपने साइड के ऊपर
रखते रहना है। तो 15-16 इलायची आपके पास हो जाएगी। एक इलायची मुख में डालकर जब आप उस व्यक्ति के सामने जाएंगे या उसके साथ आप फोन कॉल के माध्यम से बात करेंगे तो पूर्ण रूप से माता श्यामपुर मोहिनी का बंधन लग जाएगा इस विधि के द्वारा। इसका आप प्रयोग कर कर देखें तो इसका जो चमत्कार है, क्योंकि चमत्कारी वशीकरण इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि लाखों का अजमाया हुआ है। पहले बहुत से साधकों को मैं ये विधि बता चुका हूं, जो भी साधक मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद बात करते हैं तो उनको ये विधि बता चुका हूं पहले मैं, तो आज आपको चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। आप इसका प्रयोग कर कर देखें तो इसका जो रिजल्ट है आप अपनी आंखों से देखेंगे। 8 दिनों के बाद ही आप जब संपूर्ण विधि हो जाएगी रविवार से लेकर रविवार तक, तो आपको इसकी शक्ति का चमत्कार देखने के लिए मिलेगा। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। अब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ।